दोस्तों, आज का वीडियो स्टैटिक जीके के उन प्रश्नों पर आधारित है जो एमटीएस एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। इसलिए आशा करता हूं कि ये प्रश्न फिर से रिपीट होंगे। ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार आए हैं। इसलिए प्लीज़ वीडियो कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और इम्पोर्टेंट हैं, बार बार रिपीट हुए हैं। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, दिवस के ऊपर क्वेश्चन से निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे, इसलिए मैक्सिमम जितना हो सके उतना आप ही याद कर डालिए, ठीक है। ये क्वेश्चन से बार बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है आज के वीडियो में। तो आपके ऑप्शन हैं 11 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई या 22 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ध्यान रखिएगा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन है कि आईसीसी की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। आईसीसी की स्थापना कब की गई थी, 1909 में, 1910 में, 11 में या 12 में? कब की गई आईसीसी की स्थापना की गई, 1909 में, ध्यान रखिएगा, 1909, 99 है इसमें, 1909 आईसीसी की स्थापना कब की गई, 1909 में। अगला प्रश्न देखते हैं, बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है, ठीक है। बुलंद दरवाजा कहाँ है, किस जिले में है या किस शहर में है, ठीक है, या किस किले में है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। आपके ऑप्शन है फतेहपुर सिकरी, लाल किला, आगरा का किला या हवा महल। तो बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, किस किले में स्थित है, फतेहपुर सिकरी किले में बुलंद दरवाजा स्थित है। अगला प्रश्न लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न है, लोक नृत्यों के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएंगे। बीरागेश लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, बीरागेश लोक नृत्य? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, राजस्थान, बिहार या छत्तीसगढ़। सही आंसर क्या है इसका, कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, बीरागेश लोक नृत्य जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित है, कर्नाटक का ये लोक नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उपनिषद कितने हैं, उपनिषद देखिए पुराण कितने हैं, उपनिषद कितने हैं, ठीक है। कहने का मतलब किताबों के ऊपर क्वेश्चन से या धार्मिक के जो चीज़ें हैं उनके ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में इंक्लूड करना संभव नहीं है, आगे आने वाले जो वीडियो हों उसमें भी और जो क्वेश्चन बनते हैं या आए हुए हैं इंक्लूड करूँगा, ठीक है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि धर्म के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएंगे, ठीक है। तो उपनिषद कितने हैं, 108, 109, 110 या 111? कितने हैं, 108 उपनिषद है टोटल, 108। अगला प्रश्न, आरटीआई कब लागू हुआ, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आरटीआई कब लागू हुआ, 2005 में, 6 में, 7 में या 8 में? तो आरटीआई लागू हुआ 2005 में, ठीक है। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ, 2005 में। अगला प्रश्न, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, ठीक है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, दामोदर नदी को, गंगा नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को या इनमें से किसी को नहीं? इसका सही आंसर है दामोदर नदी। जी हाँ दोस्तों, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक है। आपके बिहार में एक नदी बहती है उसको भी शोक कहा जाता है, क्या नाम है उसका, कमेंट करके जरूर बताइएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पाटलिपुत्र किसने बसाया था, ठीक है, पाटलिपुत्र नगर है किसके द्वारा बसाया गया, उदयन के द्वारा, अशोक के द्वारा, बिम्बिसार के द्वारा या चाणक्य के द्वारा? पाटलिपुत्र नगर जो है उदयन के द्वारा बसाया गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नाम ध्यान रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग नाम है ये उदयन, ठीक है। पाटलिपुत्र जिसको जानकारी है उसके लिए तो आसान है, लेकिन जिसको जानकारी नहीं है उसके लिए थोड़ा नाम अजीब लग रहा होगा। तो पाटलिपुत्र किसने बसाया, उदयन ने, उदयन नाम ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न,
भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार पूछा गया था कई बार, ये जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा है। देखिए अनुच्छेद के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनेंगे, बनना ही बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे इस क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद संविधान की आत्मा है, भारतीय संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 32, 31, 30 या 29, कौन सा अनुच्छेद है? जी हाँ दोस्तों, सही आंसर बिल्कुल अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 है भारतीय संविधान की आत्मा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार। मेरे जो भाई वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके अपने बारे में ज़रूर बताइए कि आप MTS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। कैसे तैयारी आपकी कैसी चल रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, प्लीज खुल करके कमेंट करके बताइए। अगर आप बताएंगे नहीं तो मैं वीडियो सही ढंग से आपके लिए तैयार नहीं कर पाऊँगा। देखिए बताने से आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। अगर आप बताएंगे तो आपके बारे में मुझे जानकारी सही ढंग से रहेगी, मैं उसी हिसाब से आपके लिए क्लासेस अरेंज करूँगा। इसे प्लीज कमेंट करके अपने बारे में ज़रूर बताइए, ठीक है। देखता हूँ मैं बहुत सारे मेरे दोस्त वीडियो देखते हैं, ठीक है, लेकिन वो कमेंट कर नहीं करते, अपने बारे में बताते नहीं हैं, गोपनीय रखते हैं। भैया क्यों, टीचर से क्या छुपाना, ठीक है, तो अपने बारे में बताइए मुझे जो है। चलिए अगला प्रश्न, खुल्लम किस राज्य का नृत्य है? यही बात मैं भी कह रहा हूँ ना, खुल्लम खुल्ला, खुल्लम खुल्ला हो जाइए, बताइए अपने बारे में, खुल्लम खुल्ला एकदम जो है कि आप कहाँ से हैं, ठीक है, आपकी तैयारी क्या चल रही है, दिक्कतें कहाँ आ रही हैं, उसके बारे में ज़रूर बताइए, ठीक है। खुल्लम किस राज्य का नृत्य है? मिजोरम का, कर्नाटक का, छत्तीसगढ़ का या बिहार का? जी हाँ दोस्तों, खुल्लम नृत्य ये मिजोरम का नृत्य है, ध्यान रखिएगा, मिजोरम का नृत्य है खुल्लम खुल्ला। हाँ, खुल्लम नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का है। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछली बार 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 पूछा गया था ये, पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम बताइए, ठीक है। ऑप्शन है भगवंत मान, प्रकाश सिंह बादल, हरसिमरत कौर, इनमें से कोई नहीं। क्या है सही आंसर इसका? भगवंत मान। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान। देखिए अभी SSC GT का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जहाँ पे शपथ ली उस गांव का नाम बताइए। तो उस गांव का नाम ध्यान रखिए खटकड़ कला। क्या है? खटकड़ कला, खटकड़ कला, ठीक है, खटकड़ कला, खटकड़ कला, ठीक है। ये भगत सिंह का गांव है, भगत सिंह का ये पैतृक गांव है जहां पर पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जाकर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कोई ना कोई इसमें से रिपीट जरूर होगा, ठीक है। असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया, जगदीश मुखी, कल्पनाथ मिश्रा या आनंदी बटेन पटेल, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर में भी जाएगा और GK में भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि असम के जो राज्यपाल हैं अभी जस्ट इनकी नियुक्ति हुई है, चूँकि एग्जाम होने में आपका टाइम है, तो ये क्वेश्चन ऐसा करंट अफेयर्स और ऐसा GK दोनों तौर पे आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। तो असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया, ठीक है, अभी जस्ट इनकी नियुक्ति हुई है, तो असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हर्षचरित किसने लिखा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछली बार कई बार पूछा गया था ये, हर्षचरित किसने लिखा है? बाणभट्ट ने, हर्षवर्धन ने, चाणक्य ने या कौटिल्य ने? हर्षचरित जो है बाणभट्ट की रचना है, किसकी रचना है? बाणभट्ट की। चलिए अगला प्रश्न, दिल्ली के बाद किस राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी? ठीक है, आम आदमी पार्टी के ऊपर भी क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनेगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि चुनाव में थोड़ा सा ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन हैं पंजाब, गुजरात, मिजोरम, कहीं नहीं। तो दिल्ली के बाद आम आदमी की सरकार कहाँ बनी है? पंजाब में बनी है। मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान है। शपथ कहाँ लिया उन्होंने? खटकड़ कला में। खटकड़ कला क्या है? भगत सिंह का पैतृक गाँव है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, धमेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, बिहार में या छत्तीसगढ़ में? धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में कहाँ? वाराणसी में, वाराणसी, ठीक है, सारनाथ, वाराणसी सारनाथ में धमेक स्तूप स्थित है, ठीक है।
एक और बात बता दूं, पिछली बार एसएससी एमटीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ वाराणसी में दिया था। ठीक है, ये भी चीजें ध्यान रखिए। देखिए मैं ज्यादा जो है डिटेल में नहीं है सॉरी डिटेल में नहीं ज्यादा जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जहाँ संभव है, मौका मिल रहा है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ जो है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देते जा रहा हूँ, डिटेल बताते जा रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा अगर करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी ऊब जाओगे, इसलिए टू द पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। कुल्लू दशहरा कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या बिहार? कुल्लू दशहरा कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, यही सही आंसर है। कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश कुल्लू दशहरा भाई फेमस है। ठीक है, ये कौन सी याद करने वाली चीज़ है? सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला प्रदेश कौन सा है? केरल, आंध्र प्रदेश, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश? सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला प्रदेश है केरल। ठीक है, अभी एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है, इसमें साक्षरता दर के ऊपर, लिंगानुपात के ऊपर जो है, ठीक है, क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग बने हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आएगा जरूर। सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला प्रदेश कौन सा है? वो है केरल। ठीक है दोस्तों, चलिए एक चीज और बता दूं आपको, यहाँ पे जो है तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। अभी यूपी गवर्नमेंट ने अपना बजट पास किया है और उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात है वो 901 था पहले, वो घट करके जो है 879 हो गया है, 879 समथिंग, मैं एग्जैक्ट नहीं हूँ जो है, देख लीजिएगा न्यूज में जो है। ठीक है, तो लिंगानुपात घट गया है, तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में बन सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो फेमस है, आसान क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन है असम, मिजोरम, बिहार या केरल। कहाँ का है बिहू? असम राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश से उधार लिया गया है, या किस देश से लिया गया है, या किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है आयरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका या रूस। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत है जो है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न। अछूत पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए पुस्तकों के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनेंगे मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। और पुस्तकों के ऊपर, महत्वपूर्ण पुस्तकों के ऊपर, ऐसी पुस्तकें जो बार बार पूछी जाती हैं, उनके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, केवल पुस्तकों के बारे में जानकारी है। आप एसएससी एमडीएस 2022 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाएंगे, मैं बुक्स एंड ऑथर करके दो वीडियो, पार्ट 1 पार्ट 2 करके दो वीडियो है, उसको प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। निश्चित तौर पर वहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो अछूत पुस्तक के लेखक कौन है? मुल्कराज आनंद, प्रेमचंद, महावीर या महादेव वर्मा? कौन है? मुल्कराज आनंद। ठीक है, अछूत पुस्तक मुल्कराज आनंद। चलिए अगला प्रश्न है। कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध बनाया गया है? बांधों के ऊपर भी क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनेंगे। ठीक है, ऑप्शन है नागार्जुन सागर, भाखड़ा नागल, हीराकुंड या नर्मदा सागर। नागार्जुन सागर, जी हाँ दोस्तों, कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। ठीक है, नीचे जो ऑप्शन मैंने लगा रखे हैं, भाखड़ा नागल, हीराकुंड, नर्मदा सागर, इनके बारे में भी देख लीजिएगा, मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, मैं इशारा आपको एक दे दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, हेग, मॉरिशस या पेरिस? कहाँ है? जिनेवा में है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, जिनेवा, ध्यान रखिएगा नाम। अगला प्रश्न, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में है, जैसलमेर में, बीकानेर में या लखनऊ में? कहाँ है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न। मेरे जो भाई चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोग अपनी जानकारियाँ शेयर नहीं करते हैं, मुझे दिक्कत आती है, इसलिए जानकारियाँ जरूर शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए अपने बारे में। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? कथक से, भरतनाट्यम से, संतूर से या बांसुरी से? देखिए
नृत्य के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक नृत्य से है, ठीक है। अगला प्रश्न, लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और फेमस नृत्य है, तो जानते ही होंगे आप कहाँ का नृत्य लोक नृत्य है। ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है।